हरदा में कृषि विभाग और पुलिस विभाग ने नया बस स्टैंड इलाके में कार्रवाई कर कार में अवैध रूप से रखे उर्वरक और कीटनाशक दवाएं जब्त की हैं। कार से जब्त माल का कोई बिल तो नहीं मिला। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आशुतोष बिश्नोई नाम के व्यक्ति की फोर व्हीलर से ये माल जब्त हुआ है। कृषि विभाग ने उर्वरक और दवाओं के नकली होने की आशंका के चलते लैब में भेजकर जांच की बात कही है। एफएमसी कंपनी की लीगल कंसल्टेंसी ट्यूब बडीज के माध्यम से हमको पता चला कि एक व्यक्ति है जो कि नकली उर्वरक और खाद बेचता है। तो उस मामले को संज्ञान में लेकर हम लोगों ने उसको जब पूरी टीम के माध्यम से पकड़ा तो उसके द्वारा बताया गया कि ये जो माल है वो मैं मेरे खेत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर हमने उसके द्वारा पूछा गया कि इसका बिल बताइए, तो बोले इसका बिल नहीं है। तो उसके तहत हमने कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं फर्टिलाइजर अधिनियम के 1985 के तहत वैधानिक कार्रवाई कर वो कृषि आदान जो उत्पाद थे उसको जब्त किया। सर, कल रात को एक कृषि विभाग ने जो है एक गाड़ी पकड़ी जिसमें नकली उर्वरक जो है पाया गया था, क्या कुछ था? कृषि विभाग की जो टीम थी उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई डुप्लीकेट जो खेतों में दवाई डालते हैं उसके संबंध में, तो उन्होंने एक गाड़ी में व्यक्ति को लेकर आया तो उसमें कुछ दवाइयाँ थी, तो उसके संबंध में सैंपल वगैरह लेकर उनके लैब में भेजा है। वहाँ से लैब से जो जैसे भी वहाँ से उसकी रिपोर्ट आई उसके बाद अभी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गाड़ी